हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट क्या होती है। तो लाइट को जैसे कि हिंदी में हम लोग प्रकाश बोलते हैं, रोशनी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा है कि ये प्रकाश और ये जो रोशनी और जो लाइट है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इससे हम कैसे, अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपने, जब आप स्कूल जाते होगे, आप बहुत सारी चीज़ें रास्तों में देखते होगे, ठीक है। डे के टाइम में, दिन में सारी चीज़ें आपको विजिबल होती है, आप अच्छे से देख पाते हो, बट रात में आपको अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो एक बहुत ही शॉर्ट वर्ड में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट को कि लाइट जो है वो ऐसा नेचुरल एजेंट है, ठीक है, ऐसे प्राकृतिक चीज है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, जो हमारे आई साइट को या जो हमारे देखने की शक्ति को बढ़ाती है या स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो ऐसी लाइट और ऐसी प्रकाश जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है, हम किसी भी चीज़ को विजिबल करती है, ठीक है, तो उसको लाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट इज द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। तो ड्यू टू द लाइट, प्रकाश या रोशनी की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। जिसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल या डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि दिन में जितनी चीज़ें विजिबल होती है उतनी ही ज़्यादा हमको नाइट में वो किसी भी चीज़ को देखने में प्रॉब्लम होती है, या कोई भी चीज़ नाइट में, रात में इतनी ज़्यादा हमको विजिबल नहीं होती है। तो जो एक लाइट का जो इंट्रोडक्शन था, जो कि डेफिनेशन था, वो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। आई थिंक अब आप लोग कर लोगे नाउ। तो लाइट का जो सेकंड टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। लाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइट की दो प्रोसेसेस। फर्स्ट है इमिशन ऑफ लाइट और सेकेंड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसी भी चीज़ को अगर हम देख पाते हैं तो इन्हीं दो प्रोसेसेस की वजह से देख पाते हैं, या तो वहाँ पे इमिशन ऑफ लाइट होता है या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब हम समझेंगे कि इमिशन ऑफ लाइट क्या होती है। तो इमिशन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो लाइट होता है वो किसी भी सरफेस पे जब गिरती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब की वजह से या कोई भी ट्यूब लाइट है उसकी वजह से इस सरफेस पे लाइट गिर रही है और गिरने के बाद वहाँ से स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, एमिट होती है। लाइट जो है वो किसी भी सोर्स से जब एमिट होती है, जब उसका इमिशन होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इमिशन ऑफ लाइट। और इमिशन ऑफ लाइट की वजह से भी हम चीज़ों को इजीली देख पाते हैं। सेकंड जो लाइट की प्रोसेस है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जो सन से लाइट गिरती है, ठीक है, तो वो सरफेस पे गिरती है, किसी भी सरफेस पे, और उस सरफेस से गिरने के बाद वो वहाँ से, इस सरफेस से वापस से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आईज में जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट हमारी आईज में जाती है, आँख में जाती है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को इजली देख पाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से भी हम चीज़ों को देख पाते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इमिशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सोर्स से, लाइट सोर्स से लाइट या प्रकाश का उत्सर्जित होना या निकलना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट हमारे पास टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हम इन दोनों को ही वन बाई वन समझते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद से
लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से खुद ही जो लाइट जो होती है वो एमिट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे सन, सन में से क्या होता है कि लाइट एमिट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चमकीला दिखता है. फायर से भी, आग से भी लाइट एमिट होती है. टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इन सब से लाइट एमिट होती है. और कैंडल, कैंडल से भी लाइट एमिट होती है, ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट्स अपने लाइट को खुद ही इमिट करते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, फायर, ठीक है. अब हम बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें दिखते तो हैं, विजिबल होते हैं, बट वो किसी भी तरीके की लाइट को इमिट नहीं करते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट बट आर विजिबल ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. ये बिल्कुल भी चमकीले नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी लाइट एमिट नहीं करते, बट जब इस पे लाइट गिरती है तो ये हमको विजिबल होते हैं, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल है वुड, चेयर, ठीक है, और मून हो गया, ठीक है. ये सारे जो है ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. इनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है बट ये हमें दिखते हैं. क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब एक्सटर्नल लाइट के सोर्स से जब इन पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके, एमिट होके, स्कैटर्ड होके हमारी आइज तक आती है और हम इनको देख पाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट हमने टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स ने यहाँ पे समझे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ तो जब यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे थ्री ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमें आगे इसी लेसन में शैडो भी समझना है. तो थ्री टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली हमारे आसपास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक्यू. तो सबसे पहले समझते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में. सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ यू टू सी क्लियरली थ्रू देम. सम एग्जाम्पल्स आर हेयर, ठीक है. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें से लाइट इजली पास हो जाती है, ठीक है, टोटली पास हो जाती है. इस वजह से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये ग्लास है, ग्लास के आर पार हम देख पाते हैं. जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके हम आर पार देख पाते हैं. तो क्यों देख पाते हैं? इसीलिए देख पाते हैं बिकॉज ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके आर पार लाइट जो है वो इजिली पास हो पाती है. इसलिए हम जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आर पार देख सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स है ग्लास, वाटर, एयर, एट्सेट्रा, ठीक है. नाउ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लाइट में पास थ्रू दैट मटेरियल बट इमेजेस ऑन द अदर साइड ऑफ दैट मटेरियल आर नॉट क्लियरली विजिबल लाइक ट्रांसपेरेंट, ठीक है. तो ट्रांसल्यूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो विजिबल नहीं, क्लियरली विजिबल नहीं होते, धुंधले से होते हैं, जिनको हम हिंदी में धुंधले ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है. तो बहुत से ऐसे हमने विंडो ग्लासेस देखा होगा जिसके हम आसपास क्लियरली नहीं देख पाते, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होते, हल्का हल्का हमको दिखाई देता है. वो इसलिए होता है बिकॉज जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से जो लाइट होती है वो थोड़ी सी पास होती है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियरली नहीं पास होती या टोटली लाइट पास नहीं होती है. इस वजह से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आर पर कंप्लीटली या क्लियरली नहीं देख. ट्रांसल्यूसेंट के एग्जांपल्स है बटर पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, जो देखा होगा हल्का सा उससे हमें ब्लर दिखता है, या बहुत से ऐसे पतले से फैब्रिक्स होते हैं जिनके आर पार हमको क्लियरली नहीं दिखता, हल्की हल्का सा दिखता है, जिसको जिसको बोला जाता है ट्रांसल्यूसेंट. नाउ थर्ड ऑब्जेक्ट इज ओपैक्यू ऑब्जेक्ट. तो ओपैक्यू ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे
लाइट बिल्कुल ही आर पार नहीं जाती है, ठीक है, जिसको ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया लाइक वुडन डोर हो गया, वुड हो गया, ब्रिक हो गया, बुक हो गई, ठीक है। तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी लाइट जो है वो पास नहीं होती है। नाउ तो लाइट हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे शेडो। शेडो क्या होती है? रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट कैप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट। तो शेडो का हिंदी मीनिंग होता है परछाई, ठीक है। तो जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, रात में ज्यादातर हम शेडो को क्लियरली देख पाते हैं, तो हमारे पीछे एक या किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे एक जो रीजन जो होता है एक बनता है, उसी सेम शेप का अगर हम खड़े होंगे तो हमारे शेप का एक डार्क जो होता है वो लाइट एक रीजन बन जाता है, ठीक है। और अगर उस कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो परछाई बनती है, ठीक है, जो कि हम लोग रात में क्लियरली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं शेडो, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने थ्री टाइप्स के ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये तीनों ही ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के शैडो को बियर करते हैं। देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शेडो। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं उनके आर पार लाइट जो है वो कम्प्लीटली पास नहीं होती है, बिल्कुल भी पास नहीं होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक टॉय लिया है जो कि वुडन टॉय है, और इसके सामने हमने टॉर्च रखा है, ठीक है, लाइट में, अंधेरे में, नाइट में। जब ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वुडन टॉय है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट होता वुडन, ठीक है, तो इसके आगे हम लोग टॉर्च जलाते तो पीछे जो है ये इसका हमें शेडो मिलता, और बिल्कुल डार्क शेडो मिलता है। क्यों डार्क शेडो मिलता है? बिकॉज लाइट जो है वो कंप्लीटली या किसी भी तरीके से ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस अ वीक शेडो, ठीक है। तो जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से पार्शियल लाइट पास होती है, उनका जो शेडो होता है वो वीक होता है, हल्का शेडो बनता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बॉटल है ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट जो है वो पार्शली पास हो रही है, थोड़ी सी पास हो रही, टोटली पास नहीं हो रही, तो इसका शेडो हमको मिलता है वीक। नाउ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट अ शेडो एट ऑल। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो शेडो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो इतने हल्के होते हैं कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो शेडो हम लोगों ने समझा कि क्या होती है, परछाई हम लोगों ने समझा कि क्या होती है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं थ्री टाइप्स के, ओपेक्यू, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, उसके शेडो, उसकी परछाई कैसी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। आई थिंक आप लोग कर लोगे। नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेडो। शेडो तो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग टाइप्स ऑफ शेडो समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ जो शेडो है वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं टू वेज में। एक तो होगा ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्स, और एक होगा ड्यू टू लार्ज लाइट सोर्स। कैसे होगा देखते हैं। तो अगर हमारा जो लाइट सोर्स होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो लाइट सोर्स है इसके कंपैरिजन छोटा है इन साइज, जैसे कि हम लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लाइट सोर्स है वो कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज होगी, जो इसकी जो सॉरी इसकी जो परछाई शेडो होगी वो कैसी होगी? एज द सोर्स मूव्स अवे द शेडो ग्रोज स्मॉलर। तो जब हमारा जो लाइट सोर्स होगा छोटा होगा तो हमारी जो परछाई होगी या किसी के भी ऑब्जेक्ट की परछाई होगी वो भी छोटी होगी, ठीक है। और अगर हमारा लाइट सोर्स बड़ा
बड़ा होता है, लार्जर होता है, तो क्या होगा, जितनी बड़ी लाइट सोर्स होगी, जितना बड़ा यहाँ पे लाइट सोर्स होगा, मान लेते यहाँ बल्ब हो सकता है, ट्यूब लाइट हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, ठीक है, तो जितनी बड़ी लाइट सोर्स होगा उतनी बड़ा उसका शेडो होता है। और ये जो डार्क शेडो जो होता है इसको क्या बोलते हैं, उम्ब्रा, क्या बोलते हैं, उम्ब्रा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज और भी है, ठीक है, एक तो बड़ा लार्जर लाइट लाइट सोर्स और स्मॉलर लाइट सोर्स का कॉन्सेप्ट है, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जितना लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से पास में होगा उसकी शैडो उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो पास होने की वजह से हमारा लाइट सोर्स भी बड़ा होगा और उसकी इमेज, उसकी जो शैडो होगी वो भी बड़ी होगी, जिसको उम्ब्रा बोलते हैं। और जितनी दूर होगा हमारा लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स दूर होने की वजह से एक तो इसका साइज भी हमें छोटा दिखेगा, जो चीज दूर होती है वो हमें छोटी दिखती है, जो चीज पास होती है हमको बड़ी दिखती है, ठीक है। तो लाइट सोर्स जितना छोटा होगा उसकी शेडो भी छोटी होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं उम्ब्रा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, एक तो समझा कि हमारा लाइट सोर्स जो है वो बड़ा है और एक छोटा लाइट सोर्स है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक हम लोगों ने समझा कि लाइट सोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है तो उसकी शेडो कैसी होगी, बड़ी होगी, और लाइट सोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट से दूर होती है तो उसकी जो शेडो होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ शेडो। नाउ अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं शेडो के जो कि हमें समझना है। तो हम लोग यहाँ समझेंगे इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इक्लिप्स के बारे में। तो जनरली इक्लिप्स का मीनिंग ये होता है कि जब कोई परछाई हमारे आकाश में या आसमान में बन जाती है, जिसकी वजह से जो सन होता है और जो मून होता है ये दोनों ही हमको नहीं देखते हैं, तो इसको बोला जाता है इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स के ही टाइप है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स को हिंदी में बोला जाता है सूर्य ग्रहण, और लूनर इक्लिप्स को हिंदी में बोला जाता है चंद्र ग्रहण। और ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे शेडो के, ठीक है। तो इक्लिप्स हम लोगों ने समझ लिया कि जब कोई शेडो बनती है, ठीक है, जब कोई शेडो फॉर्म होती है स्पेस में, तो हमको सन और जो मून होता है वो इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, इसको बोलते हैं इक्लिप्स। अब हम समझेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स क्या होती है, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ सो दैट द अर्थ इन द शेडो डार्कन्स ड्यूरिंग द डे। तो सूर्य ग्रहण के टाइम देखा होगा जनरली क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा क्यों होता है, अंधेरा इसलिए होता है कि जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मून का जो शेडो होता है वो पूरा पृथ्वी पे पड़ जाता है और पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है, ठीक है। सन क्या है, हमारा नेचुरल लाइट सोर्स है, जिससे लाइट गिरती है मून पे जब सूर्य ग्रहण होता है, तो सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है, जिसकी वजह से जो मून का जो परछाई होती है वो पड़ती है पृथ्वी पर और पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो डार्क वाला जो रीजन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उम्ब्रा। जनरली क्या हो देखा होगा कि जो परछाई बनती है वो हमारी दो बनती है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दो बनती है, तो जो डार्कर वन होता है, जो डार्कर शेडो होता है उसको उम्ब्रा बोलते हैं, और जो लाइट होता है उसको पिन उम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, और मून की परछाई जब अर्थ पे पड़ती तो अर्थ पे अंधेरा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू मून्स शेडो, इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। अब हम समझते हैं लूनर इक्लिप्स के बारे में। तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि द मून एंड द सन आर इन अ
स्ट्रेट लाइन सच दैट द अर्थ इज इन द बिटवीन द सन एंड द मून. द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन. तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वो हमको नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज जो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी आ जाती है. तो पृथ्वी के जो शेडो होता है वो पूरा मून पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो मून होता है वो इनविजिबल हो जाता है, ठीक है. और यहाँ पे भी हमारे पास अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो डार्कर शेडो होता है उसको अम्ब्रा बोलते हैं और जो लाइटर शेडो होता है उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है. तो अगेन हम लोगों ने यहाँ पे शेडो के बारे में समझा, ठीक है. शेडो की वजह से ही सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है. सोलर इक्लिप्स को हिंदी में सूर्य ग्रहण बोलते हैं, जबकि लूनर इक्लिप्स को हिंदी में चंद्र ग्रहण बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन का ओवर होता है. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. So keep watching, subscribe my channel, also do like, share and comment. Thanks for watching.